अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर। मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं आपका व्यू सुन रही थी। मुझे एक सवाल है, वो पूछना था कि मैं कुरान में जब पढ़ती हूँ तो खलीफा का जिक्र आता है कि मर्द को खलीफा बनाया है, और जो मैंने पढ़ा कि औरत को मर्द के लिए पैदा किया गया है, मतलब औरत को मर्द के लिए पैदा नहीं किया गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि जब हजरत आदम अली सलाम जन्नत में लोनली फील कर रहे थे तो फिर बीबी हवा को बनाया गया था। तो मुझे ये चीज पूछनी थी कि हमारा मकसद हयात क्या है एक औरत का, कि मर्द तो खलीफा है, उससे तो सारे काम हो रहे हैं ना, सारे अंबिया कराम से सारे काम हो रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है, चल सकती है। तो एक औरत का असल मकसद क्या है, कि वो तो है कि औलाद पैदा होगी और पूरी दुनिया चलेगी, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल मकसद क्या है औरत का, कि वो कैसे पार्ट ले सकती है दुनिया में। देखें, आदम अलैहि सलाम जब जन्नत में थे ना, उससे बहुत पहले मैं और आप, हम ना, मैं और आप दोनों, हज़रत आदम अलैहि सलाम के जन्नत में, हज़रत हव्वा अलैहि सलाम के पैदा होने से बहुत पहले मैं और आप, हम सब, हज़रत आदम की सारी औलाद अल्लाह ताला के सामने रूबरू थी और अल्लाह ताला से ये वादे कर रहे थे कि हम ही तेरी इंटेलेक्चुअल निशानियां ढूंढ लेंगे सारी, ठीक है, हम तेरे अलावा किसी को रब नहीं मानेंगे। तो हवा, नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला ने उस वक्त नहीं सोचा, नाउज बिल्ला, क्यों मेरा बंदा जो है ना वो लोनली फील कर रहा है, इसको एक औरत पैदा करके दे देते हैं। अल्लाह ताला ने ये इंतजामी उमूर में एक बात बताई है, वरना ये अल्लाह ताला ने तो सबसे पहले तमाम इंसानों को एक जगह इकट्ठा करके वादा ले लिया। अभी तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आए ही नहीं है, ठीक है, ये कुरान पाक के थ्रू बता रहा हूँ आपको, ये मेरा अपनी कोई राय नहीं है, कुरान पाक की आयात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो वंस दिस साइकोलॉजी इज ब्रोकन डाउन, ओके, कि अल्लाह ताला नाउज बिल्ला रिएक्टिव है, तो फिर पहले रब को समझे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई औरत, आदमी और औरत पे वही रिक्वायरमेंट है। अगर अलग अलग होती तो पहले आदमियों से वादा लिया जाता और फिर कहा जाता ये लोग गिफ्ट में औरतें मिल रही, या औरतों से वादा लिया जाता कुछ और हमसे कुछ और, एक ही जगह खड़ा करके सबसे एक ही वादा लिया गया। कब्र में भी वही, आपसे भी वही सवाल होने जो मेरे से होने, और आखिरत में भी वही सवाल है। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट मैन और वुमन, ये कभी भी इस्लाम में सवाल नहीं आया, ये पाकिस्तान में आके सवाल आया। क्वेश्चन इज किस स्कोप में आपको पैदा किया गया, किस स्कोप में मुझे। ऐसे ऐसे मर्द आपको बताऊं कि जो आपके शहर में, हम ना, कराची में हूँ मैं। अब तो फिर तो आप तो एक टॉप 1% से भी ऊपर हैं आप। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे गांव हैं, आपको उन मर्दों के हालात बताऊं तो आप मर्द, मर्द हजरात, मेल मेन, ओके, क्यों आप कहेंगे ये तो लाचार का बच्चा, ये तो सारी उम्र बेचारा, ये कहां, इसने एक गली से दूसरी गली तक सारी उम्र गुजारी है, इसके बाबे ने भी, इसके दादे ने भी, उसके भी दादे ने, उसका तो स्कोप ही जीरो है। आप कराची के सेंटर में बैठ के अपने आप को लाचारी में बैठ रखा हुआ आपने, यू 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 आर वे बिगर इन स्कोप राइट नाउ, इवन विद दिस साइकोलॉजी, इस करंट साइकोलॉजी में जो आपकी है, आपका स्कोप अभी भी पाकिस्तान के रिमोट एरियाज के अंदर बैठे हुए करोड़ों आदमियों से 10 गुना ज्यादा है। वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 बंदों के खानदान के ऊपर कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो आदमी। आपको पता ना किस मुल्क में पैदा हुई। और उसकी लाइफ ऐसी गुजरी, उसके दादे की भी, उसके उसके बाप की भी, उसके बच्चों की भी ऐसी गुजरनी है, और 4 या 6 बंदों के दायरा अख्तियार है उनका, और उसके ऊपर भी 2 नंबरी करेगा वो, बाय द वे, क्योंकि उसका इल्म आना ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसे गांव है जिसमें मस्जिद ही नहीं है, मैंने देखा हुआ एक गाँव, पूरा गाँव 1947 से लेके पाकिस्तान में मस्जिद ही कोई नहीं। फिर क्या करते हो, फिर हाउ डू यू नो कि इस्लाम क्या है। और वो एक नाउज बिल्ला क्या लफ्ज बोला उन्होंने, नबी सलाम को ना एक खास एक वली की तरह तो रखा हुआ, बस उनको एक कलमा किसने सिखा दिया हुआ, बस ये नहीं पता इस्लाम क्या। ऐसे ऐसे भी मर्द हजरात पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, दुनिया पूरी में, तो ये मत सोचें कि ओ मैं तो आदमी के लिए पैदा हुई है तो आदमी और औरत से बेहतर हो। आपसे मैं करोड़ों करोड़ों आदमी बताऊं जो आप, मतलब आपसे करोड़ गुना बदतर हालात में रहेंगे और मरेंगे उसी में, छोटे से कुएं में रहेंगे मरेंगे। इट्स अबाउट द स्कोप, हम ना, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर। अल्लाह ताला के तुक्के नहीं है कि इसको जिस जगह पे पैदा कर देंगे और उससे उससे वो वाले काम लेने। आप कराची सेंटर में पैदा हो गई हैं,
यू कैन नॉट डू द मैथ्स कि आपके ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. आपको अल्लाह ताला ने कुरान भी मोबाइल में दे दिया, हदीस भी मोबाइल में दे दिए, साइंस भी मोबाइल में दे दिए. यू आर अ मेट्रो गर्ल खुदा से इन द बिगेस्ट सिटी. मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद में भी वो रिक्वायरमेंट नहीं आनी पैदा होने पर जो कराची में आ जानी है. So you do not have that excuse. Don't play that gender game in Islam. Okay, this is too petty. इस तरफ ना फंस जाना. Scope की game खेलनी है, 100% खेले. देखें self reflection भी करें और देखें अपने आसपास के अल्लाह ने मुझे किधर पैदा किया. आपको पता चलिए आपकी requirement क्या है. आपके पैदा आपकी और न्यूयॉर्क में पैदा होने वाली लड़की का तकरीबन एक ही तरह मुवाजना है. मुसलमान ही है दोनों. वो तो कर देती है जितने काम करने हैं उसने. आप बैठी में इधर नहीं हो, मर्द के लिए पैदा हुई हूं मैं. और किसने कहा कि आप अपने शोर की खिदमत और प्यार ना करें. करें मगर उससे बहुत पहले आप अपने रब के लिए देखें आपको कहीं पे किसी वजह से पैदा किया गया है. मेरे रब क्या तुक्के नहीं है. ओके, आप तशीन में भी पैदा हो सकती थी, आप खुशदार में पैदा हो सकती थी, आप डीआई खान के लोकल किसी गांव में पैदा हो सकती थी. यहाँ पे क्यों पैदा हूँ, इसी घर में क्यों, इसी इलाके में, इसी खानदान में, इन्हीं कॉलेज स्कूलों, इन्हीं यूनिवर्सिटी. एवरी सिंगल थिंग दैट हैपेंड टू यू मेरे रब के यहाँ तुक्के नहीं. जो तो आप ये ना कहना कि और चूंकि मैंने कोई लोकल मर्द ढूंढ लिया सर कराची का, वो मेरे से बेहतर निकला. मर्द औरत का मुकाबला नहीं है इस्लाम में. सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मैं एमपिल कर रही हूँ, तो मैं रिसर्च की स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से जो मेरे टीचर्स वगैरह हैं तो उनसे जब मैंने इस बात पे डिस्कशन की थी तो मुझे समझ में नहीं आई थी बात. इस वजह से मेरे दिमाग में चीज थी कि आखिर मकसद हयात क्या है. मुझे ये बात नहीं पता थी कि हमसे पहले सवाल ले लिया गया था और वादे कर लिए गए थे. मैंने आपकी बहुत सारे लेक्चर्स देखे तो देट वॉज द रीजन देयर आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. या वह मकसद हयात तो उसी वक्त इस हमारी इस दुनिया की हयात से पहले मकसद हमें बता दिया गया हुआ है. तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया ना. बट स्कोप अपना जो है ना, उस मकसद तक पहुंचने की जो टेक्निक है, जो रास्ता है, वो हर एक का अलग अलग है. वुमेन रास्ते भी आपको बताएं. कभी ये ना सोच लेना कि आपका जेंडर जो है ना वो इन्फीरियर है. कोई जेंडर इन्फीरियर नहीं है. अल्लाह ताला ने होता तो अल्लाह बता देते. बताएं कहीं पे एक बच्चे का बताया हो कि हाँ जी हाँ ये जरा कमतर मखलूक बताई है तो मैं इसके ऊपर जरा हुकूमत किया करो ना, उज़बिल्ला इसको इसको ठीक करो. ठीक है. सो जितने भी इस तरह के आपको मामलात मिलेंगे उसमें आप देख लीजिएगा. एंड आई डोंट वांट टू प्ले दिस लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव गेम. आई डोंट वांट टू प्ले दिस रिलीजियस वर्सेस सेकुलर कार्ड. नो, आई एम जस्ट प्लेइंग इनसाइड इस्लाम. कि वो इस्लाम के अंदर जेंडर कार्ड नहीं है. ओके okay.